आज हम जीके से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आप भी इसको तैयार कर सकें और आपके दोस्त भी तैयार कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और, यहाँ पर आपको करंट भी मिलेगा, जीके से संबंधित भी मिलेगा। ठीक है, तो करंट का भी ध्यान देना क्योंकि ये प्रश्न आने वाले हैं, आपके पेपर में आने वाले हैं। हमको पता है आप कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो उनकी तैयारी कर रहा है। तो इसमें से जो है 100% क्वेश्चन आने ही आने हैं पुरस्कार से संबंधित। ठीक है, एक नए क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए करंट भी है इसमें आपको मिलेगा और जीके भी मिलेगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहा है, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 क्या पहले पॉइंट में 2020 से संबंधित है कि किसका नाम सामने आया है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा किसको। ठीक है, तो वो चीज़ है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI द्वारा रजत पदक विजेता अमित पंघाल और विकास कृष्ण को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। दो लोगों का नाम सामने आया है BFI द्वारा जो है, एक तो अमित पंघाल जी हैं जो रजत पदक विजेता है और विकास कृष्ण जी भी हैं। इन दोनों लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, करंट तैयार कर लेना। और दूसरा पॉइंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, अमित पंघाल वर्ष 2019 में विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज बने। राजीव गांधी खेल रत्न जिसे आधिकारिक तौर पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कई जगह जो है ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न जिसे आधिकारिक तौर पर किस रूप में जाना जाता है, तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। UPSC में इस तरह के दो तीन पॉइंट बना देते हैं और उसको जो है एक दो तीन कोडिंग करके दे देते हैं कि कौन कौन से सही हैं, तो इस तरह के आ जाते हैं उसमें क्वेश्चंस। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है। 5 पॉइंट में है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 से 92 में हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 91 से 92 में हुई थी। ठीक है, 6 पॉइंट में बताया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। कब कब प्रदान किया जाता है, प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2018 तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 7.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 7.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ही मिलता है। अब हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार 2020 की 2020 में अर्जुन पुरस्कार किसके नाम है। ठीक है, ये करंट का है। ठीक है, और क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, BFI ने अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए विश्व कांस्य विजेता खिलाड़ी लोलीना बोरगोहेन
69 किलोग्राम, सिमरनजीत कौर 64 किलोग्राम एवं मनीष कौशिक 63 किलोग्राम को नामित किया है। तीन नाम है, तीनों नाम याद रखना और वेट भी याद रखना, भार। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में अर्जुन पुरस्कार के बारे में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी, 1961 में हुई थी। इस पुरस्कार के विजेता को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब हम बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में किनके किनके नाम हैं देखिए। BFI ने द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए महिला खिलाड़ियों के राष्ट्रीय कोच मोहम्मद अली कमर और सहायक कोच छोटे लाल यादव को नामित किया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार भारतीय गणराज्य का स्पोर्ट्स कोचिंग अवार्ड है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। इसे युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए वार्षिक तौर पर दिया जाता है। वर्ष 2017 तक इस पुरस्कार के विजेता को कांस्य की बनी गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 5 लाख रुपए प्रदान किए गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे ध्यानचंद पुरस्कार 2020। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार 2020 में किसका किसका नाम आया है। ये आजीवन उपलब्धि पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो देखिए BFI ने ध्यानचंद पुरस्कार 2020 आजीवन उपलब्धि के लिए वर्ष 2008 की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता और 2 बार की विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता उषा नागी शेट्टी को नामित किया। ठीक है, ये एशियाई मुक्केबाज 2008 की चैंपियनशिप रह चुकी हैं, जो कि स्वर्ण पदक विजेता हैं और 2 बार की विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता, ठीक है, उषा नागी शेट्टी का नाम आया है। ध्यानचंद पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार भारतीय गणराज्य का आजीवन उपलब्धि के लिए प्रमुख खेल सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2002 में। इस पुरस्कार को भारत सरकार के युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक तौर पर प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019 तक इस पुरस्कार के विजेता को एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह की आपको आपसे आपके पढ़ाई से संबंधित वीडियो आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।